माननीय श्री नीरज डांगे जी। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय कि आपने मुझे ये महत्वपूर्ण मुद्दा जो है शून्यकाल में उठाने का अवसर प्रदान किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों की 20 करोड़ से अधिक एडवांस वाली शाखाओं की 20% ऑडिट का प्रावधान रहा है व 20 करोड़ से कम एडवांसेज वाली शाखाओं में मात्र 20% शाखाओं की ऑडिट रोटेशन वाइज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा करवाई जाती रही है। 2020-21 की ऑडिट अलॉटमेंट के समय राष्ट्रीयकृत बैंकों ने आरबीआई को कोरोना महामारी के हालातों के मद्देनजर करवाई जाने वाली ऑडिट के पैरामीटर में बदलाव करने का आग्रह किया था, जिसको आरबीआई ने स्वीकार करते हुए एडवांस को बेस मानते हुए सिर्फ 90% एडवांसेस की ऑडिट करने का प्रावधान कर दिया था। तदुपरांत एडवांस के 90% ऑडिट वाले प्रावधान को भी 17 मार्च 2022 को जारी परिपत्र द्वारा घटा करके 20% कर दिया गया है। इस नए प्रावधान से करीब 50% शाखाएं ऑडिट के दायरे से बाहर हो गई हैं, जो कि ना सिर्फ देश के बैंकिंग व वित्तीय स्वास्थ्य के अनुकूल है और ना ही देश के जमाकर्ताओं के हित में है। वर्तमान परिदृश्य में आए दिन रोज बैंक के घोटाले सामने आ रहे हैं। प्रतिदिन बैंक लाइसेंस वित्तीय अनियमितताओं के कारण रद्द किए जा रहे हैं व जमाकर्ताओं की खून पसीने की गाढ़ी कमाई और बुढ़ापे के सहारे को जो है बैंकों के माध्यम से डूबता दिख रहा है और आगे भी डूबने के पूर्ण आसार नजर आ रहे हैं। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि जनहित व राष्ट्रहित में वित्त मंत्रालय व केंद्र सरकार से अनुरोध है कि भारतीय रिजर्व बैंक के इन नवीनतम प्रावधानों को वापस लेकर पूर्व के प्रावधानों के अनुसार ऑडिट सिस्टम को रिस्टोर करवाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।